10,000 जी हाँ, किसान माला पहन के खड़ा है और व्यापारी जयकारे के साथ जय श्री राम का घोष लगा रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिले के तहसील दलोदा की, जहाँ पर एक किसान ने अपनी हुटी लहसुन के पैसे भगवान श्री राम मंदिर निर्माण संग्रह निधि में सभी पैसे दान दे दिए। जी हाँ, ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जब एसके न्यूज़ नेटवर्क ने किसान से बात करी तो बताया कि जी हाँ, हम सब परिवारजनों ने मुहूर्त के माध्यम से ऊटी लहसुन बेचने की योजना बनाई थी, जो कि दलोदा मंडी में बेची और व्यापारी ने विवाह पर भगवान श्री राम मंदिर नाम से बोली 10,000 रुपये कुंटल बताई, जिसमें 15 कुंटल लहसुन बताई जा रही है। वही किसान ने कहा कि प्रभु के चरणों में यह दान हमने दिया है। हम छोटे किसान जरूर हैं, लेकिन भगवान श्री राम मंदिर निर्माण में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और दान भी दे रहे हैं। कहते हैं तन मन धन और सहयोग के साथ दान देना चाहिए। वही किसान राजेश पाटीदार भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, वही ग्राम कलालिया के किसान राजेश पाटीदार ने एसके न्यूज नेटवर्क से सीधी बात करी। आइए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हेलो, हाँ सर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जी पाटीदार जुड़ गए हैं कलालिया से। जी बताइएगा, कल आपका वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है राजेश जी पाटीदार, क्या कहना है राम मंदिर निर्माण, आपने इतना दान दिया है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी हमसे जो बना है हमने श्री राम प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया है। और मैं आपके जरिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ या उनको समझाना चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा भी अगर अपने हिस्से से अगर थोड़ा सा अगर प्रभु के चरणों में अगर थोड़ा सा कुछ दान करते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है कि कुछ अपना सारा जीवन में जो भी अपन ने अच्छे कार्य बुरे कार्य जो भी अपन ने किए हैं ताकि उसका अपने को अच्छा फल मिले। क्या लगता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण मिल रहा है, काफी लोग दान दे रहे हैं, आपने भी दिया है, क्या कहेंगे और मंदिर निर्माण में? नहीं नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है, मंदिर निर्माण में ये हमारे हमारी एक पूरे परिवार की एक श्रद्धा थी। जी जी, कि हमारी जो मंडी में पहली ट्राली आई थी, मुहूर्त हुआ ट्राली से हमारा माल का इस साल का, तो हमने सोचा घर में बैठ के विचार करा कि क्या करें, तो पहले हमने एक रसीद कटवा ली थी 11,000 की गाँव में। जी, फिर हमने सोचा कि मुहूर्त की ट्राली है तो इसलिए हमने वो पूरा जो भी हुआ जो 12 कुंटल 15 कुंटल जो भी होगा जी जी, क्योंकि पूरा का पूरा वो मंदिर निर्माण में। अच्छा, बताया जा रहा है कि ये लहसुन आपने दलोदा मंडी में बेची है? जी जी सर, दलोदा मंडी ले गए थे हम, 4-5 दिन रुके और फिर भैया का वही फोन आ गया था कि उसको किसी को अपने को बताना नहीं है, केवल व्यापारी को बता देना है जी, ये उसको सबसे पहले नीलाम कर ले है मुहूर्त में और उसको पूरा दान में देना है। नहीं सर, वीडियो वायरल हो रहा है इसी हिसाब से आपको कॉल किया है, तो वाकई में लगता है कि दान भी देना चाहिए वैसे अन्य लोगों को भी, और आपने भी दिया है और इतने दिनों से आप दलोदा मंडी में काफी देखा जाए तो भीड़ भी रहती है, उसके माध्यम से भी आपने लाइव में जी 26 जनवरी से हम वही हैं। जी जी हाँ, काफी लगता है कि मतलब आपने बहुत ही मेहनत के बाद अपना पैसा मंदिर निर्माण में दिया है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल प्रभु की माया है ये तो जी, और उन्हीं की कृपा से अपने पास जो भी है आज उन्हीं की कृपा से। क्या है शुभ नाम आपका? राजेश पाटीदार। कलालिया का नाम है संजय पाटीदार, कलालिया। अच्छा अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके धन्यवाद सर, आपको भी जय श्री राम। Yes. 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 Yes.